नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के फेमस एक्टर संजय दत्त की। जी हां, आपको बता दें कि संजय दत्त हाल ही में फिल्म पृथ्वीराज सम्राट में नजर आए थे, जहाँ पर संजय दत्त की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग को काफी ज्यादा फैंस ने पसंद किया था। वहीं अगर बात करें संजय दत्त के अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो संजय दत्त रणबीर कपूर और साथ ही वाणी कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा में एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। जी हाँ, इसी बीच संजय दत्त के जीवन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त की जिंदगी कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। करियर की शुरुआत से ही उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने के मिले। एक ऐसा वक्त भी था जब संजय दत्त बुरी तरह से ड्रग्स की चपेट में आ गए थे और उन्हें रिहैब सेंटर तक जाना पड़ा था। जी हाँ, इसी बीच उनके पिता जो सुनील दत्त थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से संजय दत्त लगातार नशे की लत से घिरे हुए थे, नशे की लत में डूबे हुए थे, ऐसे में उनके पिता बेहद ही ज़्यादा परेशान थे। इसी बीच संजय दत्त ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद एक बात बताई कि वो बिना ड्रग्स के नहीं रह पाते थे। ड्रग्स की लत उन पर इस कदर हावी हो गई थी कि एक बार वो अपनी बहन के साथ कश्मीर गए थे तो अपने जूते में वो नशीला पदार्थ ले गए थे। उन दिनों संजय ने आगे बताया कि उन दिनों प्लेन में इतनी सख्ती चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन संजय की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें लगने लगा कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे। संजय ने आगे अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ड्रग्स की इतनी डोज ले ली थी कि उस डोज के बाद वो पूरे दो दिन बाद उठे थे। इसी बीच संजय ने अपने पिता से बात कर उनकी मदद मांगी तो पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका वो लेकर गए, जहां इलाज के लिए उन्हें एक रिहैब सेंटर में एडमिट उन्होंने कराया। आपको बता दें कि आज ही संजय दत्त और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म यानी कि बीते बुधवार को पैच आपको बता दें कि बीते बुधवार को ही संजय दत्त और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा का फर्स्ट ट्रीजर लॉन्च किया गया है, जिसमें संजय दत्त का लुक फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, वहीं इसके साथ इस फिल्म में रणबीर कपूर का भी लुक फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको बता दें कि फिल्म शमशेरा बड़े पर्दे पर आगामी 15 जुलाई को रिलीज होगी, जिसे लेकर के मेकर्स और साथ ही पूरी स्टार कास्ट फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही है। इसी बीच संजय दत्त ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा राज खोल दिया है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।